कढ़ाई गर्म होनी रख देती है, चंगी तरह गर्म हो जाए तो अंदर पावांगे सरसों का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, अपन मस्टर्ड ऑयल दे विच ही बनावांगे। तुसी ऑयल उन्ना ही पाउणा जिन्ना तुहाडे कोल है ना अचार तुसी बनाउणा, जिन्ने ऑयले जां आमले तुसी पाउणे आ उहदे हिसाब ते तुसी ऑयल नूं यूज़ करोगे। मैं ऑयल ले लिया, इन अच्छी तरह गर्म हो देवे और इन्हों खुले छड़ांगे ताकि जो भी थोड़ा मोटा मॉइस्चर है वह सारा खत्म हो जाए। ठीक है, सो तेल में गर्म हो दो, गर्म हो कलर चेंज हो जाएगा, कढ़ाई गर्म होनी रख देती है, चंगी तरह गर्म हो जाए तो अंदर पावांगे सरसों का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, अपन इन मस्टर्ड ऑयल दे विच ही बनावांगे। तुसी ऑयल उन्ना ही पाउणा जिन्ना तुहाडे कोल है ना अचार तुसी बनाउणा, जिन्ने ऑयले जां आमले तुसी पाउणे आ उहदे हिसाब ते तुसी ऑयल नूं यूज़ करोगे। सो मैं ऑयल ले लिया, इन अच्छी तरह गर्म हो देवे और इन्हों खुले छड़ांगे ताकि जो भी थोड़ा मोटा मॉइस्चर है वह सारा खत्म हो जाए। ठीक है, सो तेल में गर्म हो दो, गर्म हो कलर चेंज हो जाएगा, मेरा ऑयल गर्म हो चुके है। बहुत सारे ना आमले नूं पहला उबाल लेंदे आ फिर अचार बनाउंदे आ, लेकिन मैं उबालदी नहीं क्योंकि उबालन दे नाल ना इन्हां इहदे कुछ बेनीफिट्स हुंदे आ जो पानी च निकल जांदे आ ना इहदा रस। सो मैं डायरेक्ट बिना उबाले, इहनूं उबालन दी लोड़ नहीं, इदां ही बनाऊंगी। सो लुक वॉच तुसीं इदां ही ऑयल डाल देने गर्म होने तो बाद, क्योंकि जो ये बन गए तो इन्हों पीस करन दी लोड़ नहीं, ये अपने आप खुल जाने। उबालन दे ना जो आमले का जूस हुंदा वो पानी च चला जाता तो वेस्ट हुंदा, इस करके मैं डायरेक्ट इदा अचार बनाने हैं। तुसी भी बनायो, घुमाते रहेंगे पलटे अच्छी तरह ऑयल, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा बनाने, पहले 5 मिनट अभी हाई फ्लेम के उत्ते बनावे, उसके बाद अभी थोड़ी फ्लेम लो कर देंगे, मीडियम लो बिच कर देंगे और 5 मिनट से हाई फ्लेम के उत्ते और थोड़ा पलटा के बनाना लाइक दिस। पाँच मिनट बनाने तो बाद इन्हों का हल्का कलर चेंज हो गया, बस लाइट लाइट ब्राउन, पर आप गैस की फ्लेम लो कर देंगे मीडियम लो। जिन्ना टाइम ये बनते हैं स्लो के उत्ते उन्ना टाइम आप मसाला बनाने हैं। सौंफ अद्धा चम्मच, अद्धा चम्मच जीरा और 2-3 पिंच राई, राई नहीं मोटी वाली सरों, इन्हों पीसा मिक्सी नहीं पीसूँ क्योंकि बहुत थोड़ा समान आ, मिक्सी अच्छी तरह
पीस नहीं पाऊंगी, मैं इन हाथ के नाल ही पीसूंगी। ये मैं मसाला अपने आमले के हिसाब से लिता जिन्ने मेरे को ओले आ, यह 250 ग्राम आमले आ जिन्हों का मैं अचार बना रही हूँ। थोड़े को आमला ज़्यादा तो उस हिसाब से जीरा सौंफ तुम ज़्यादा ले लेंगे। तो अपन पीस करते हैं, पाँच मिनट तो बाद तुसी गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर लेना, फुल हाई कर लेना, थोड़ा नहीं। देखो लुक कलर इन्हों का चेंज होना शुरू हो गया, ब्राउन हो गए। हम अभी हाई फ्लेम कर ले तो बहुत जल्दी इन्हों का कलर चेंज हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने अपने आप खुलना शुरू हो जाना, बंद जाएंगे तो खुलते जाएंगे। तुसी सारे जने ने इस तरीके नाल अचार बनाना तो कमेंट करके दसना, तो टेस्ट दसना प्लीज़, शेयर जरूर करना। और बहुत ही सिंपल तरीके नाल बेसिक चीज़ा की नीड नाल असीं अचार नूं बनाया मैं, तो कोई उबालन की लोड़ नहीं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो हजे इन्हें तो हजे बनूंगा, लेकिन देखो ये अंदर जान थोड़े सॉफ्ट हो गए है ना, लेकिन प्रॉपर सॉफ्ट नहीं हुए। जब सॉफ्ट हो जाएंगे अचार बंद तो खुलेंगे अपने आप, ठीक है। इन्हें टाइम में बंद है, मैं दूसरा मसाला मसाले की तैयारी कर रही हूँ। हल्दी वो थोड़ी रहती है कलर ली, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग तुम अपने हिसाब से लेना, नमक ज़्यादा कर, और मिर्च रहती है थोड़ी रेड पाउडर। और ये मेरा मसाला जो असि पीसिया से बहुत सोनी मैक आ रही है मसाले की। ये असी कोई गर्म मसाला कुछ नहीं पावे, क्योंकि गर्म मसाले भी हल्का सा ना कड़वापन आ जाता मिलता है कुछ टाइम रखने के बाद। ये असी घर के पीसे मोटे मसाले ही पावे, क्योंकि अच्छी तरह मैश तो नहीं होया, लेकिन हो गया क्योंकि बहुत थोड़ा समान से मिक्सी के बच्चे पीस नहीं होया। मेरे को मैंने हाथ नाल किया जो भी किया। हाँ जी 80% हौले बन गए साढ़े, और मैं टेस्ट करके दिखाउनी है। खुल गया ना, देखो बिना उबाले उसे बनाया। अच्छा देखो जिन पूरे स्लाइस खुल गए अपने आप बिना उबाले, ठीक है।
ਜੋ ਉਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜੂਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੌਰੀ ਮੋਸਟਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆਮਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਚਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿਓ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲੀ ਜਾਣਗੇ।